हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बैंक निफ्टी का कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी के ये जो 12 स्टॉक है, इनके मूवमेंट पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता है। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि अगर एक स्टॉक चाह दे और सारे स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाएँ तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला जाना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग अगर 12 स्टॉक हैं, 11 स्टॉक को मैं ऊपर कर दूं और एक स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसको नीचे थोड़ा सा भी नीचे कर दूंगा, 2% भी गिरा दूंगा, तो बैंक निफ्टी हिलेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। ये ऑपरेटर का गेम होता है और उसके लिए जानना जरूरी होता है। सपोज मेरे को एक्सिस बैंक को 10% ऊपर लेके जाना है, तो 10% ऊपर लेके गया तो अप्रोक्सीमेट 480 के आसपास, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है कम से कम 200 पॉइंट की राइज हो जाएगा। 200 पॉइंट का 10% के तेजी आने से, और कुछ भी स्टॉक ना, कोई भी स्टॉक ना हिले, उस केस में बैंक निफ्टी 22,500 के आसपास, मीन्स कि 200 पॉइंट की रैली आ जाएगी। लेकिन HDFC बैंक है, इसको मैं एक टका मीन्स 11 रुपये नीचे ला दूँ तो लगभग फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मीन्स 100 पॉइंट ही ऊपर रह पाएगा। और 1.5% कर दूं, मतलब कि 15 रुपये नीचे कर दूं मैं, तो अप्रोक्सीमेट 15 रुपये, 20 रुपये नीचे कर दूं मैं, तो अप्रोक्सीमेट 2% कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका 20 रुपये करने का मतलब ये हो जाएगा 13। हाँ एग्जैक्ट, तो ये है कहानी। तो ओवरऑल जो ऑपरेटर है उसको पता है कि किसमें कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने टका किसको कितना गिराएंगे और किसको कितना टका ऊपर लेके जा सकते हैं। सपोज एक स्टॉक को तेजी करना है और एक ऐसा स्टॉक जो हैवी वेट HDFC टाइप का है। अब HDFC अब 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो कंपनी है HDFC, इसको 2% गिरा दें तो ऑटोमेटिक 1 लाख करोड़ में आप ऑटोमेटिक 6 गुना पैसा डाल सकते हैं, 6 गुना पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक टूल हमने डेवलप किया है जिससे कि आइडिया लग सकता है कि किसमें कितनी तेज़ी आने से कितना बाउंस आ सकता है। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है बैंक निफ्टी का, लाइक एक्सिस बैंक का जो लेवल बंद हुआ है, ये जो लाइन है, ये लाइन दर्शाता है, ये जो स्क्रॉलिंग बार है ये शो कर रहा है एक म्यूजिक सिस्टम की तरह है। मार्केट भी एक रिदम है, रिदम की तरह मूवमेंट होता है, किसको किस बेस को ऊपर कर दें और किस तरीके से गाना बजाना है। जैसे सॉन्ग्स में गाना बजाने के लिए, म्यूजिक को सुनने के लिए अलग अलग तरंगों को मूवमेंट किया जाता है, वेव को मूवमेंट कराया जाता है जिससे कि आवाज़ें चेंज हो जाती है, उसी तरीके से मार्केट भी उसी तरीके से रिदम है। और ये सारे स्टॉकों से मिल करके सॉन्ग्स डेवलप होता है मार्केट में, क्राउड आवाज़ें गीत संगीत जो निकलता है वो भी एक तरीके से म्यूजिक ही है। और उसी बेसिस पे हमने डेवलप किया है और इसके बेसिस पे दिख रहा है कि किसको कितना ऊपर की तरफ जाने के चांसेज है। तो ये जो स्विंग लो बना है उस स्विंग लो के बेसिस पे कोटक में स्विंग हाई से गिरावट हो रहा है, तो कोटक में स्विंग हाई से गिरावट हो रहा है तो नीचे 1300 पर सपोर्ट है। तो मैक्सिमम अपसाइड और डाउनसाइड कि ये लाइन है एज फॉर वीकली बेसिस पे और गैन एंगल के बेसिस पे। तो ये अब लाइक आप देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक बिल्कुल सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा पीछे है, तो और भी ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेज है। ICICI HDFC बैंक देख रहे हैं आप, अच्छा खासा बिल्कुल अपर रेंज में है और इसका सेंटर पॉइंट एक सपोर्ट के तौर पे होगा। तो सेंटर पॉइंट जो है, अगर सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ गया है तो लगभग ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगा। और जो लोग सेंटर पॉइंट पे नहीं गए हैं वो कोशिश करेंगे सेंटर पॉइंट पे जाने के लिए। तो सेंटर पॉइंट पे अगर सारे स्टॉक चले जाएँ तो उस केस में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी। मैंने अभी वीडियो जो शेयर किया है कल के सेशन में, मैंने वो वीडियो बनाया था और पिछले हफ्ते से ही मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा तेज़ी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि वो सेंटर पॉइंट पे चला जाए, HDFC में थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसके बाद 22,750 की तरफ जा सकता है। तो ये
ये है लाइक एक्सिस बैंक में एक टारगेट है 570 का, आईसीआईसीआई, अब इस तरीके से बहुत सारे स्टॉकों का अलग अलग टारगेट है, उस टारगेट पर लेके जाया जाए इस लेवल के बेसिस पे। आप देख भी रहे हैं एक्सिस बैंक में ओपन इंटरेस्ट 2.5% बढ़ा है, स्टॉक प्लस में बंद हुआ है, और बंधन बैंक में गिरावट हुआ, ओपन इंटरेस्ट घटा है, मीन्स कि तेजी खत्म नहीं हुआ है, बंधन बैंक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा मंदी नहीं है। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट फेडरल बैंक में एक है ऐसा कि ओपन इंटरेस्ट घटा है और स्टॉक ऊपर गया है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें। तो सबसे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वाला बैंक निफ्टी में कोटक बैंक है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक में गिरावट हुआ है, तो मींस करेक्शन के दौर इसमें रहेगा, और नीचे जो 1300 और 1280 85 के आसपास सपोर्ट है। तो थोड़ा सा ये जब तक ये स्टॉक 1300 के ऊपर है सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, 1300 के नीचे की क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, और डीपली एनालिसिस को फॉलो करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस की जाती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वैल्यूएबल स्टॉक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए भी आप चैनल के अलग अलग मेंबरशिप हैं जो पहले भी शेयर किया गया है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और मैंने कोई भी खरीदने और बेचने के लिए सलाह नहीं दिया, ये मेरा एक एजुकेशनल व्यू था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ओके, बाय।